रमजान मुबारक की मुकद्दस माह का तीसरा अशरा चल रहा है। ईद करीब आते ही बाजारों में काफी रौनक नजर आ रही है। लोग ईद की तैयारी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। दड़ा बाजार, रामगंज बाजार, चांदपुल बाजार, किशनपुल बाजार समेत दीगर बाजारों में देर रात तक पैर रखने जैसी जगह नहीं रही है। और ये जयपुर में दोपहर को सितम की गर्मी होने की वजह से बाजार सुनसान जरूर नजर आते हैं, लेकिन रात को 2 से 3 बजे तक खवातीन खरीदारी करती हुई नजर आ रही हैं। बाजार का जायजा लिया है जी मीडिया नुमाइंदे मोहम्मद रजाउल्ला ने। हालांकि हमने 200 रुपये की सेल लगा रखी है, जिसमें 800-1000 रुपये जैसे सेट है, लेकिन हमने पूरा एक ही वैरायटी को निचोड़ करके और 200 रुपये की सेल लगा दी थी। इसलिए लॉकडाउन के निकले हुए लोग हैं, किसी के पास इतने पैसे है नहीं है ज्वेलरी वगैरह खरीदने के लिए, तो हमने ये एक सेवा समझ लीजिए या एक उम्मत के ऊपर एक ऐसा। रमजान मुबारक के मुकद्दस माह का आखिरी अशरा चल रहा है। इस दौरान जो ईद की तैयारियां हैं वो दारुलहुकूमत जयपुर में काफी जोरों शोरों से चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के दड़ा मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं दारुलहुकूमत जयपुर और जो आसपास के इलाके की जो खवातीन हैं वो काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर जो खरीदारी करने के लिए पहुंची है। आइए, जो यहाँ के दुकानदार हैं उन दुकानदारों से हम बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 2 बरस बाद में कोरोना वबा के बाद में माहौल नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं। ऐसा पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, आपकी दुकान है और किस तरह का माहौल 2 साल बाद में आ रहा है? और शॉप है दड़ा मार्केट मनीराम जी और यहाँ पर दो साल के बाद माहौल ने बड़ा ही उत्साह वर्धक को मान चाहिए। हर प्रकार का सामान जहाँ दुकान है, सारी दुकानों पर फुल फ्लैक्स भीड़ चल रही है और मतलब ये मानो दुकानदारों को यहाँ पर खाना खाने के लिए लंबा हो गया है। किस तरह से आप लोगों को नुकसान हो रहा था कोरोना की वजह से, अब एक मतलब फिर कुलसाल जो है जयपुर के बाजार के लिए क्या कुछ उम्मीद आपकी? 2 साल में जो हमने डिबेट और जो नुकसान था, हम ये कह सकते हैं कि हमारी उसकी भरपाई इस बार जाते ही नहीं तो कुछ तो % तक हो जाए। और मतलब हमारे यहाँ सब मतलब अच्छा माहौल बना रहे और ऐसे चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे 2 साल बाद में जिस तरह के जयपुर के बाद?